फिर हम आगे पालेंगे। पहले स्टार्ट करेंगे। हाय मम्मी एंड डैडीज, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम स्वाति है और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में पेरेंट्स वर्ल्ड। और मैं आज आप सबके लिए एक वीडियो लेकर आ रही हूँ जिसका टॉपिक है मिथ्स रिगार्डिंग न्यूबॉर्न बेबीज। सो शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो मैं उन पेरेंट्स के लिए लेके आई हूँ जो कि अभी अभी पेरेंट्स बने हैं या फिर बनने वाले हैं। और आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ जो कि आप सबके लिए यूज़फुल होगी। जैसे बच्चे को डायपर नहीं पहनाना या फिर बच्चे न्यू बच्चे जो भी अभी हुए हैं उन्हें नए 6 दिन से पहले कपड़े नहीं नए कपड़े नहीं पहना सकते हैं, या फिर बच्चे सोते हुए बच्चे को फ़ोटो नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ये मिथ है कि नए बच्चे को डायपर नहीं पहनाना चाहिए या डायपर यूज़ नहीं करो, बच्चे का आदत ख़राब हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। छोटे बच्चों के लिए डायपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि छोटे बच्चे वो जितना महसूस करेंगे उतने बार उनका गीला होगा और ज़्यादा बच्चे सोते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो वो सोसू करेंगे, उनका ड्रेस गीला होगा, उनका बेड गीला होगा, जिससे उनकी नींद ख़राब हो सकती है। सो डायपर इज़ कंपल्सरी। डायपर पहनाने से क्या कि आपके बच्चे का नींद नहीं ख़राब होगा, उसको प्रॉपर स्लीप मिलेगी और प्रॉपर स्लीप बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। सो डायपर नहीं पहनाना ये मिथ। और ज़रूरी नहीं है आपको महंगा डायपर ही लेना है। आजकल तो बहुत सारे डायपर आ रहे हैं और रीयूजेबल डायपर भी आते हैं। दूसरा मिथ ये है कि बच्चे को 6 दिन से पहले, हमारे यहाँ 6 दिन से पहले बच्चे को नए कपड़े नहीं पहनाते हैं। सो आप भी बच्चे को क्लोथ पहना सकते हैं, न्यू क्लोथ। बस ये है कि आप पहले उस कपड़े को अच्छे से 2 बार पानी में जस्ट ऐसा कंघार के रूप में दिखा दीजिए डिटॉल के साथ, ताकि वो कपड़ा सॉफ्ट हो जाए और आप वो यूज़ कर सकते हैं, बेबी को पहना सकते हैं। और एक है कि बच्चे को कंघी नहीं करनी चाहिए, कोम यूज़ नहीं करना है, वरना बच्चे के बहुत लोग बोलते हैं बच्चे को कंघी करेंगे तो बच्चे के दांत बड़े हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है, पहले के टाइम में कंघी बच्चे के लिए स्पेशल कंघी नहीं होता था, तो और बड़े का कंघी जो होता था, हम जो कम कंघी अडल्ट यूज़ करते थे वो थोड़ा शार्प होता था, इसीलिए बोलते थे कि बच्चे को कंघी नहीं करना चाहिए। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। और आजकल तो बच्चे का कंघी स्पेशल कंघी आती है, तो आप बच्चे के जिस बच्चे के बाल है उसका कंघी कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा मिथ है कि सोते हुए बच्चे को फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ हमारे कल्चर में जब कोई मरता है तो उसके फ़ोटो, मतलब ऐसा होता है कि वो मरा हुआ इंसान का फ़ोटो ले रहे हैं, आँख बंद होता है, तो सब उससे कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है, इसको इससे कंपेयर नहीं करना चाहिए। अब बेबी का फ़ोटो है आपको है, अभी ये सब मोमेंट कैप्चर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? और या फिर बेबी के पैर के फ़ोटो नहीं लेना चाहिए, इसको भी ऐसा लोग उससे ही रिलेट करते हैं। लेकिन ये सब ऐसा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मिथ अफवाह है। इसको ना आप बढ़ावा दीजिए और ना आप ऐसा कुछ फील कीजिए। आपको अगर अपने बेबी का फ़ोटो लेना है पैर का या स्लीपिंग का, तो आप आराम से ले सकते हैं। और गिल्टी फील मत कीजिए कि लोग क्या कहेंगे, लोग का काम है कहना, उससे आपको कोई बात नहीं करना चाहिए, रॉन्ग। और सर पे ऑयल देना, ये जो होता है जिसे हम तलुआ कहते हैं, मतलब हमारे यहाँ बोलते हैं सर का तलुआ है, यहाँ पर ऐसा तेल, सरसों तेल देना चाहिए या इसको भरना चाहिए? सो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन डॉक्टर बोलते हैं कि यहाँ तेल नहीं देना है, क्योंकि क्या होता है कि वो सरसों तेल एकदम ऐसा भर भर के यहाँ दे देते हैं और फिर उसमें धीरे धीरे गंदगी बैठने लगती है, और जिसके वजह से फिर बच्चे को इचिंग होगा, इरिटेशन होगा, और हमेशा उसके सर मुँह फेस पे तेल आते रहेगा। सो इट्स नॉट करेक्ट, और ऐसा नहीं है। वो धीरे धीरे वो अपने आप फील होगा।
वो डॉक्टर लोग चेक भी करते हैं। सो उसके लिए आपको वहाँ तेल भरने की ज़रूरत है। आप तेल लगाइए, नॉर्मल तेल लगा सकते हैं, लेकिन वही हल्का सा। और फिर उसे जब आप बच्चे को नहाते हैं तो खास करके इस जगह में अच्छे से शैम्पू करके उसे साफ़ कीजिए, वरना फिर अगर आपके बेबी को ज़्यादा हेयर है तो फिर वो गंदगी उधर बैठने लगेगी, फिर धीरे धीरे डैंड्रफ होगा और आपके बेबी का बाल गिरने लगेगा। सो ऐसा बिल्कुल करें। घर में बुज़ुर्ग लोग बोलते हैं कि बच्चे को तेल को मालिश को लगवाओ, बहुत मालिश वाली बुलवाओ या फिर ऐसे करो, तो नहीं, नए बच्चे को एकदम हार्ड जो कड़क मालिश होता है वो नहीं ज़रूरत है करने का, क्योंकि बच्चे का स्किन और हड्डी बहुत नाजुक होता है। अभी उसको नेचुरली बैठना चाहिए, बैठने देना चाहिए, और ज़्यादा हार्ड और ये करेंगे ना तो उससे बच्चे को आगे चल के प्रॉब्लम होगा। आप मालिश कीजिए, लेकिन आराम से खुद से मालिश कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी मालिश वाले को लेके आए और फिर उसको ये मालिश करने के लिए, नहीं, आप खुद से अपने बच्चे को मालिश कर सकते हैं हल्का हल्का धीरे हाथ से। आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बट डाल दूँगी इस पे कि बच्चे को, न्यू बॉर्न बेबी को कैसे मालिश करना चाहिए। मिथ है हनी, मधु। मधु हमें एक न्यू बॉर्न बेबी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि मधु में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि न्यू बॉर्न बेबी के लिए जहर के तौर पर साबित होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि हम जो मधु खाते हैं, हनी खाते हैं, वो सही नहीं है, ख़राब है। एक्चुअली वो जो बैक्टीरिया होता है हनी में, वो बैक्टीरिया अडल्ट के लिए या फिर एक साल से ऊपर के बच्चे के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन वही मधु अगर आप एक साल के नीचे के बच्चे को देंगे या फिर न्यू बॉर्न बेबी को देंगे तो उसके लिए वो हानिकारक होता है। इसलिए प्लीज़ आप एक साल के नीचे के बच्चे को बिल्कुल भी हानि ना दे, हल्का सा भी नहीं। आप रिस्क क्यों लेना चाहते हैं? और आजकल के टाइम में तो ऐसे भी कोई भी चीज़ प्योर नहीं रहता, सब में मिलावट रहता है, तो प्लीज़ आप ऐसा ना करें। उम्मीद है कि बच्चे को नए क्लोथ्स नहीं पहनाने चाहिए। एक्चुअली हमारे हमें क्या है ना कि हम ये जानना नहीं चाहते हैं कि क्यों नहीं पहनाना चाहिए, बस बड़े बोलते आते हैं कि नहीं 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 बच्चे के लिए नए, अभी बच्चा हुआ नहीं है इसके लिए कुछ नहीं खरीदना, लेकिन ये हम नहीं पूछते कि क्यों नहीं खरीदना, क्योंकि उन्हें भी अच्छे से मालूम नहीं होता, उन्हें भी उनके पेरेंट्स ने बोला है कि नहीं बच्चे के लिए नहीं खरीदना, वो भी नहीं पूछे। तो ये ऐसा एक तरीके से ये जो मिथ है ना, ये और बढ़ता जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अच्छे से आराम से अपने बच्चे के लिए अगर आप चाहते हैं कपड़े खरीदने, न्यू कपड़े खरीदना और खरीद के पहना, बच्चे के आँख में अगर काजल लगाएंगे तो बच्चे की आँख बड़ा हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम काजल लगाते हैं तो बच्चा का आँख बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे जैसे वो काजल मिट जाता है ना तो वो नॉर्मल ही हो जाता है। लेकिन ऐसा ये नहीं है, प्रूफ नहीं है कि अगर आप काजल लगाएंगे तो बच्चे का आँख बढ़ जाएगा। उसका साइज जितना है वो उतना ही रहता है, वो बस लगाने से काजल वो बड़ा दिखता है, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। मेरा बेबी है अभी 11 मंथ्स का है, जब हुआ था तो उसका आँख भी बहुत छोटा छोटा था, तो सब बोलते थे इसे काजल लगाओ, काजल लगाओ, इसका आँख बड़ा हो जाएगा, मगर मुझे पसंद नहीं था काजल लगाना, मैं सब में बिलीव नहीं करती थी, तो मैंने नहीं लगाया। और अभी मेरे बेबी का आइस जो है वो अच्छा खासा बड़ा बड़ा है, वो ऐसा बंद रखता है तो छोटा दिखता है, जब वो खोलता है तो उसका आँख अच्छा मस्त बड़ा दिखता है। सो ये एक मिथ है कि काजल लगाने से बेबी का आँख बड़ा दिखेगा। आपको शौक है आप लगाइए, लेकिन ये कोई ये नहीं है, प्रूफ नहीं है कि आप लगाएंगे तो बेबी का आँख। ये मेडिसिन में कि जब बेबी हॉस्पिटल से, हम लोग बेबी और उसके माँ को डिस्चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल से, तो डॉक्टर कुछ मेडिसिन लिख के देते हैं बेबी के लिए, क्योंकि आज के टाइम में हम बेबी को उतने धूप में नहीं ले जा पाते, उतना टाइम नहीं रहता है, और टाइम का क्या, एक्चुअली अब हम ऐसे रहने लगे हैं फ्लैट में ये कि उतने धूप आते भी नहीं है घर में। सो वो जो डॉक्टर लिख के देते हैं कुछ मेडिसिन, वो कंपलसरी है, वो आप दीजिए बेबी को, डरिए मत कि ये अभी तो इतना छोटा, अभी क्यों मेडिसिन देना, ये वो हमारा मेडिसिन नहीं, वो मेडिसिन स्पेशली बेबी के लिए ही बनता है, वो आप दे सकते हैं बेबी को और देना भी चाहिए, क्योंकि उससे इम्पॉर्टेंट जो भी चाहिए बेबी को, बेबी के हेल्थ के लिए वो मिलता है, क्योंकि हम बहुत टाइम होता है कि हम सब कुछ नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, बेबी को जितना सनलाइट चाहिए हम वो नहीं दे पाते हैं। हमारे घर में ऐसा होता है कि हमारा घर ऐसा है कि कहीं से धूप का रोशनी धूप नहीं आ पा रहा है, तो हम बेबी को कैसे धूप लगाएं, फिर तो वो सब
है देते हैं दवा डॉक्टर, और ज़्यादा भी नहीं देते, वो एक दो देते हैं, तो आप उसे खिलाइए, उसे उससे पीछे मत हटिए कि नहीं अभी इतना छोटा बेबी है मैं कैसे उन्हें देते हैं। तो गाइस ये था आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ बातें, आई होप ये सब बातें आपके लिए यूज़फुल होगी। और अगर आप और कुछ या कोई मिथ के बारे में जानना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ओके गाइस, सो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Be safe and stay at home. Thank you.